जी मैम नाम जानना चाहेंगे? मैं नीतू ओझा मुंबई वासी से। आई एम तनुश्री सोमदास फ्रॉम पुणे। क्या कहेंगे आप शो में, मतलब क्यों आ पाई, क्या ड्रीम था आपका, क्या सपना था? ड्रीम मेरा बचपन से ही था मॉडलिंग एक्टिंग। जब मैं देखती थी टीवी में तो मुझे लगता था कि मैं वो कब करूँगी, लेकिन जब 16 की थी तभी मेरी शादी हो गई थी तो लग रहा था कि सारे सपने अभी टूट गए हैं, लेकिन फिर 8-9 साल ऐसे ही निकल गए, मैंने अपनी पढ़ाई चालू रखी और अब जब ये मुझे मिला प्लेटफॉर्म कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, तो मुझे ये मौका लगा कि मैं खोना नहीं चाहती इसे, फिर से वो ही बचपन के जो सपने थे उन्हें जीना चाहती हूँ। या ऑफकोर्स ये भी मेरा ड्रीम ही था, जैसे सब हर लड़की का होता है बचपन से, बट वो कहते हैं ना सपना देखता हर कोई है, बस उसको साकार करने का जो मतलब जो उनमें हिम्मत होनी चाहिए वो सब में नहीं होता। तो आज मैं अगर यहाँ हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट जो है मेरे हस्बैंड को मैं देती हूँ, और मेरे फैमिली मतलब इन लॉज जो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, बिकॉज हस्बैंड के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं आ पाती, क्योंकि सपने में देख रही थी पूरा करने का, मेरे पे वो हिम्मत नहीं था कभी भी नहीं। बचपन में क्यों नहीं हुआ सपना पूरा, जब पूरे सपोर्ट करते थे फैमिली भी? ये आपने नहीं किया, क्या वजह थी कि जो आज आपने भाग लिया है और आज आप देखिए? बिफोर मैरिज क्या होता है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि लड़कियों के लिए आफ्टर मैरिज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे, बट जब शादी से पहले या बचपन मैंने जब सपना देखा, वो मैं छोटे शहर से हूँ, होम टाउन मेरा जमशेदपुर झारखंड है, जहाँ पे यहाँ इसको बहुत ही इसका कम है, बट मैं प्रियंका चोपड़ा को बहुत ज़्यादा इसीलिए मानती हूँ क्योंकि वो भी मेरे शहर से है, और जब जब मैं उनको फॉलो करती हूँ ना तो मुझे ये ड्रीम्स जो मैं देखती हूँ उसको पूरा करने का मतलब मुझ में एक अलग सा एनर्जी आता है कि मुझे भी करना है, अगर वो कर सकती है सेम सिटी से तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको बताया कि सपने में बचपन से यही देख रही थी, लेकिन कुछ ऐसे हो गए रीजंस जिससे शादी हो गई, और फिर छोटा सा राजस्थान में छोटा सा गांव जहाँ पे स्कूल भी आई थिंक 10th तक ही है अभी भी, तो ये सब पॉसिबल नहीं था कुछ भी। और बिफोर 8 years मैं मुंबई में हूँ, और अभी मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मुझे लगा कि मैं ये सपने पूरे कर सकती हूँ, और ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैं यहाँ आई नहीं। अगर मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता और मैं मुंबई में नहीं होती तो शायद यहाँ पे नहीं आ पाती, यहाँ पे आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे आपसे कुछ लोग अगर सीखना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं ये कर सकती हूँ, मतलब मेरा मैं बता रही हूँ, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे नदी से पानी लाते हैं लोग, आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पे आके। अभी मैंने सपने जब देखे थे वो मैंने छोड़े नहीं उन सपनों को, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर सपने मर जाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं लेकिन रूह मर जाती है हमारी, तो सपने देखना मत छोड़ो कभी भी, सपनों को अपने साथ जिंदा रखो। सेम मैं मैसेज देना चाहूँगी छोटे शहर के लड़कियों को जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स एंड डिज़ायर होते हैं, जो सिर्फ उनकी फैमिली की कंजर्वेटिव जो मेंटालिटी होती है उनके चलते वो आगे नहीं बढ़ते हैं या अपने सपनों को दबा देते हैं, मैं उनको इतना ही बोलना चाहूँगी कि सपनों को दबने मत दो, प्लीज़ गो अहेड एंड यू कैन डू इट, अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन विन। बॉम्बे आने के बाद आपको इसका फायदा मिला कि आप झारखंड से ही सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो ऐसा? जैसा मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से ही सपने देखती हूँ, लेकिन सपना देखना अलग होता है, उसको पूरा करना अलग होता है, तो जब मैं पुणे आई आफ्टर मैरिज, तो जब मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट कर रहा है, और जब मैं एक देख रही हूँ कि मिसेस स्मृति पांचा जो अब ऐसी ऊँचाई में है आफ्टर मैरिज, तो फिर मैं अपने पैर नहीं रो सकती, आई ऑल्सो कैन डू इट। मैडम के लिए कोई एक मैसेज जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं? या ऑफकोर्स मैम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं यहाँ पे आऊँगी या मुझे यहाँ पे आने का मौका मिलेगा कभी अपनी लाइफ में, अपने सपनों को जी पाऊँगी। थैंक यू सो मच स्मृति मैम एंड सर कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हम जैसे लोगों को, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने मैम का नेचर देखा है, सबसे इतना मिलजुल के हंसना और इनकी मतलब चेहरे से स्माइल तो हटने का नाम ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कब ऐसे बनूँ, मतलब थोड़ा सा जब ऐसे होता है ना तो मैं ऐसे हो जाती हूँ एकदम लेजी सी, तो मुझे मैम के जैसे बनना है। या स्मृति मैम के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, सबसे बड़ी बात वो बहुत डाउन टू अर्थ है,
अभी जिस मुकाम में वो अभी है उनको मतलब इतना डाउन टू अर्थ देखना। और दूसरी बात ये है ना, मेरा हस्बैंड मुझे डांटता है कि प्लीज़ स्मृति मैम जैसे बनो, देखो कैसी मेंटेन करती है, कितनी ब्यूटीफुल है, कहाँ है आज। सो मुझे वो सिखाता है कि उनके जैसे बनो। एंड या वो भी एक मतलब मेरी आइडियल है, मेरी ऐसी कोई आइडियल नहीं है, रोल मॉडल भी नहीं है, बट अगर वो कुछ अच्छा कर रही है मैं उनसे सीखूंगी ज़रूर। तो थैंक्स स्मृति मैम, थैंक यू सो मच। और उनकी स्माइली फेस आई लव दैट, क्योंकि मैं भी वही करती हूँ। थैंक यू।